माता के नाम की दीवानगी हो तो मुझे नहीं देखना किसी का हाथ ऊपर है कि नीचे है। एक मिनट के लिए ऐसे करो ना ताकि मेरा कन्हैया देखे, मेरी राधे देखे कौन दीवाना है कौन नहीं है। दीवाने बन गए तेरे तो दूर दुनिया से क्या मतलब, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाए। लगन तुमसे लगन तुमसे लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। भगवान के मार्ग पर जब चल पड़े हैं तो कौन प्रशंसा कर रहा कौन बुराई, इससे मतलब। भगवान वाराह को हिरण्याक्ष गालियां देता है लेकिन भगवान विचार नहीं किए। अच्छा एक बात और है, जिसका जो स्वभाव होता है वो वही करता है, ठीक है कि नहीं। जिसका जो स्वभाव होता है वही करता है। अच्छा पहले गांव देहातों में हाथी आते थे कि नहीं गणेश जी, शहर में भी कभी कभार आते होंगे कि नहीं आते, अब यहां प्रतिबंधित हो गए हैं पर पहले कभी आते रहे होंगे, ठीक है कि नहीं। अच्छा जब हाथी आते थे तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग तो हाथ जोड़ते हैं, थोड़ा ध्यान देना, कुछ लोग तो हाथ जोड़ते हैं। अच्छा बड़े बूढ़े लोग बच्चों से कहते हैं प्रणाम करो गणेश जी, कहते कि नहीं। तो कुछ लोग तो हाथ जोड़ते हैं लेकिन कुछ लोग भौंकते हैं। भौंकता कौन है, अब मैं वो नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप ये बताओ अब उनको इनसे शिकायत क्या है। अब समस्या ये है कि अब उनकी भाषा समझ में आए तो पूछा जाए उनसे कि भाई आपको क्या शिकायत है। वो जब आते हैं तो कुछ लोग तो सामने हाथ जोड़े खड़े होते हैं लेकिन कुछ उनके पीछे पड़े होते हैं, भौंकते रहते हैं। लेकिन एक बात पता है आपको, ये जो भौंकते हैं कुत्ते ये हाथी को देख के नहीं भौंकते, पता है कि नहीं। नहीं तो आप कहोगे किसको देख के भौंकते हैं, तो हाथी को देख करके नहीं भौंकते, जिनके हाथ हाथी के सामने जुड़े होते हैं उनके पीछे ये कुत्ते पड़े होते हैं। वो हाथी को देखकर नहीं भौंक रहे हैं, तुम इनको प्रणाम क्यों कर रहे हो, इनको देख के भौंक रहे हो। बात समझ में आई कि नहीं आई। कोई संत कोई सदगुरु कोई भगवान का भक्त आया, हमारी आस्था उसके प्रति नहीं है या है अलग विषय है,
पर सामने वाला यदि हाथ जोड़ के खड़ा है तो चार लोग उसके पीछे पड़े होंगे। क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों ऐसी भक्ति दिखा रहे हो, क्यों ऐसा भाव दिखा रहे हो। बड़ा विलक्षण सूत्र है ये। लेकिन जो हाथी है वो क्या करता है, हाथ जोड़ने वालों को देख करके ठहरता नहीं और भौंकने वालों को देख करके पीछे मुड़ता नहीं, तभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इस संसार में आए हो तो आपकी कोई स्तुति प्रशंसा करे उनको देख करके ठहरना नहीं, और कोई बुराई करे उनकी ओर पीछे मुड़ के कुछ कहना नहीं। लक्ष्य की प्राप्ति कर लोगे, कन्हैया मिल जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। यह है इसका सिद्धांत। यदि आपका हाथ किसी के सामने जुड़ा है, आपके हाथ किसी संत के सामने जुड़े होंगे तो भौंकने वाले आपके भी पीछे पड़े होंगे। यह है ये प्रश्न। हाथ जोड़ने वालों को, लेकिन साधक हाथ जोड़ने वालों को देख करके ठहरता नहीं, वो चला जाता है, और भौंकने वालों की ओर पीछे मुड़ के देखता भी नहीं है। इसी के लिए एक मुहावरा कहते थे लोग, हाथी चला, क्या कहते थे, हाथी चला बाजार, आगे क्या मुझे पता नहीं, आगे मैं भूल जाता हूं। इन प्रसंगों से देखो भगवान वाराह, मैं जो प्रसंग समझा रहा हूं आपको, भगवान वाराह जो पृथ्वी को लेकर चले, मैं जो प्रसंग समझाने जा रहा हूं, तो देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं तब भी वाराह जी ठहरे नहीं, अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, और हिरण्याक्ष भगवान की बुराइयां कर रहा, गालियां दे रहा है, तो भगवान उसकी ओर मुड़के देख भी नहीं रहे। इस प्रसंग को समझाने के लिए मैं आपको यह दृष्टांत दिया। बगैर दृष्टांत के ये बात जल्दी दिमाग में बैठती नहीं। लेकिन परीक्षित ने कहा, महाराज ये हिरण्याक्ष कौन है? सुखदेव जी ने कहा, राजन ये भगवान के पार्षद थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये भगवान के पार्षद थे, जय और विजय। एक बार मानसा में स्थित युष्मत पूर्वजा सनका दिया चेरुर विहाय श्याम राजन लोकेश विगतस प्रिया। सनकादि भगवत दर्शन के लिए जब गए, छह द्वार पार कर गए, समस्या सातवें द्वार में होती है, वही समस्या जय और विजय रोक दिए। सनकादिकों को क्रोध आ गया, ज्ञान मार्ग का शत्रु है क्रोध, भक्ति मार्ग का शत्रु है लोभ, और कर्म मार्ग का शत्रु है काम। अपना कल्याण करना है तो तस्माद एतत्त्रयम् त्यजेत, हमको आपको इन तीनों को छोड़ना पड़ेगा। सनकादि को क्रोध आ गया, जाओ तुम्हारा पता न हो, तुम यहां रहने के लायक नहीं। भगवान मुस्कुराते हुए आ गए, क्रोध को जीतना हो तो प्रेम से जीतो बाबा, क्रोध को हमेशा प्रेम से जीतना चाहिए। मुस्कुराते हुए भगवान आए, सनकादिकों को क्रोध पानी पानी हो गया, पर मुझसे भूल हो गई। भगवान ने कहा, जो हुआ छोड़ो, अब तो जो होना था हो गया। देखो तीर कमान से और बात जुबान से निकल जाए तो फिर वापस नहीं आती, इसलिए सोचिए ज्यादा मगर कम बोलिए। जो ज्यादा बोलते हैं वही ज्यादा रोते हैं, जो कम बोलते हैं वो ज्यादा मुस्कुराते हैं। जीवन में रोने की इच्छा है तो खूब बोलो, बड़बड़ करते रहो, बोलते रहो जो मर्जी है, बकबक करो। अच्छा एक और मजे की बात है, वर्षा ऋतु सबको अच्छी लगती लेकिन उसमें एक है जिसको नहीं अच्छी लगती। आपने कभी उसकी आवाज नहीं सुनी होगी वर्षा ऋतु में, कौन है?
वर्षा ऋतु किसको नहीं अच्छी लगती, बोलो भाई? सबको अच्छी लगी, लेकिन एक को नहीं अच्छी लगी, उसका नाम है कोयल। कभी वर्षा ऋतु में कोयल कूकी है क्या, बोलो? नहीं बोलती। कोयल कब बोलती है, किस ऋतु में? बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में कोयल कूकती है, ये क्यों नहीं बोलती वर्षा ऋतु में? ये कृष्ण की लीला में आपको हम समझा देंगे। साधक और कोयल, इनकी उपमा एक जैसे की है। रामचरितमानस में जो लक्ष्मण का पात्र है उसको कोयल कहा है, सीता को बसंत ऋतु कहा है। क्या गजब का दर्शन है। ये खाली नौटंकी वाली कथा मत सुनो, पढ़ो। लक्ष्मण को कोयल कहा राम कथा में, जबकि लक्ष्मण जी तो कड़वा बोलते थे, तीखा बोलते थे, लेकिन क्या लीला है, क्या उसका सुंदर दिग्दर्शन कराया। इन बिंदुओं से कभी कुछ सीखो, कुछ शिक्षा लो, तभी आपका कल्याण होगा। ठीक है कि नहीं? भगवान ने कहा अब जो होना था हो गया, अब कुछ सोचना नहीं, बोलने के पहले सोचना चाहिए। प्रभु इनका पतन होगा, तीन बार जाएंगे दैत्य दानव और मानव बन के। भगवान ने कहा इनका उद्धार करने में चार बार जाऊंगा, वाराह राम कृष्ण और नरसिंह बन के। इनके उद्धार का कारण मैं बनना चाहता हूं, मैं भी जाना चाहता हूं। प्रभु ने कहा ठीक है जाओ। तो सनकादि बने हैं प्रहलाद, विभीषण, जरासंध पुत्र सहदेव, कश्यप की पत्नी दिति गोधूली के समय संतान प्राप्ति के लिए गई, संत समझाए नहीं माने। संत ने कहा एक नहीं दो पुत्रों के होंगे महान राक्षस, शरणागत हो गई, अपराध हो गया। भगवान के भक्त ने कहा अपराध को स्वीकार किया तो जाओ, मैं आपको वरदान देता हूं, आपके यहां जो पोता आएगा भगवान का परम भक्त होगा। जिस कुल में एक भी भक्त आ जाता है वो सारा कुल धन्य धन्य हो जाता है। और भगवान का दर्शन करना हो तो एक कार्य और करना, भगवान के भक्त को पकड़ लेना, भगवान मिल जाएंगे। बछड़े को पकड़ लो तो गाय कहीं भी होगी, उसको लौट के आना तो। और बछड़े को पकड़ सकते हो पर गाय को पकड़ना बस में, गाय भाग दे तो। अब मान लो जिसका शरीर हृष्ट पुष्ट हो तो गाय भागी भी तो क्या करेगी वो, पर गाय भी हृष्ट पुष्ट हो और भाग दो रस्सी मजबूत हाथ में फंस जाए छूटे नहीं, फिर क्या दशा होगी? फिर तो ऐसी दंडवती परिक्रमा होगी महाराज कि पता नहीं परिक्रमा करने वाले बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे। कश्यप ने कहा आप पृथ्वी को रसातल में छिपा दिए, गदा लेकर के विचरण कर रहे थे, नारद जी मिले, युद्ध करना आता है। नारद जी ने कहा क्यों, मेरे भुजाओं में खुजली हो रही। नारद जी ने कहा देखो भाई युद्ध करना तो नहीं आता, लेकिन मैं ऐसा योद्धा बताऊंगा दोबारा कभी खुजली होगी नहीं। ऐसा कौन है? अरे देखो बारह को संपत्ति लेकर के जा रहे हैं, आप यहां गदा पटक रहे हो, वही हिरण्याक्ष भगवान को गालियां दे रहा है, लेकिन भगवान उस पर विचार नहीं किए। स्वकार्यम साधिये धीमान, जो बुद्धिमान लोग होते हैं किसी भी कार्य को बड़ी चतुराई के साथ किया करते हैं, चलता रहता है। नदी में बाढ़ हमेशा नहीं रहती, कभी कभार आती है। जब बाढ़ आए ना तो जो घास होती है, एक बार सागर ने कहा नदियों से आप बड़े बड़े वृक्ष तो लेकर के आती हो पर कभी दुर्वा को भी लाओ ना, घास को लाओ। नदियां कहती मेरे वश में नहीं है,
क्यों? जो अकड़ के खड़े होते हैं मैं उनको तो उखाड़ कर फेंक देती हूं, लेकिन मुझे देखकर जो नतमस्तक हो जाया करते हैं मैं भी उनके सामने नतमस्तक हो जाया करती हूं। कोई भी परिस्थिति आपके सामने आए, कैसी भी परिस्थिति निर्मित हो, वहां हमको अकड़ना नहीं है, झुक जाना है। झुक जाओगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन यहां एक समस्या आ गई, क्या? पृथ्वी के मन में अहंकार का अंकुर आ गया। देखो, प्रभु को लीला करनी थी तो बगैर मेरे कार्य हुए नहीं, प्रभु दिव्य वृंदावन का दर्शन करा दिए। दिव्य वृंदावन, पृथ्वी ने कहा प्रभु मैं तो जल के अंदर थी, हरियाली कहां से? देवी ये मेरा दिव्य वृंदावन है। श्रोताओ, देवियों, सज्जनों, वृंदावन और काशी ये मृत्युलोक का हिस्सा नहीं है। वृंदावन राधा रानी की गोद में है और काशी शंकर के त्रिशूल में है। तन से तो आप लोग वृंदावन कई बार गए हो, जाते रहते हो कि नहीं? तन से तो जाते रहते हो, आओ थोड़ा मन से आते हैं हम लोग मन से आए थोड़ा सा। तो कैसे आना? भजन के माध्यम से चलो। मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कामधकार, ओ मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कामधकारी, आ मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कामरकारी, ओ मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कामरकारी। मन चल वृंदावन धाम, ओ हो हो, मन चल वृंदावन धाम, रखेंगे राधा राधा ना, मिलेंगे बांक बिहारी ओढ़ के कामरकार, हाँ मिलेंगे बांक बिहारी ओढ़ के कामरकारी। परिक्रमा को जाएंगे, वृंदावन की परिक्रमा को जाएंगे, या वृंदावन की परिक्रमा को जाएंगे, वृंदावन की परिक्रमा को जाएंगे, यो भक्त का माथा, ओ हो हो, खामा खाम रटेंगे राधा राधा ना, मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कामरकार, ओ मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कामरकार। मन चल वृंदावन धाम, हो हो हो, चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा ना, मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़
राम हर कार ओ मिलेंगे बांक बिहारी मोढ़ के कांवरी कारी को जाएंगे बाक बिहारी के दर्शन को आएंगे बाक बिहारी के दर्शन को आएंगे दर्शन पाके नैना सफल बनाएंगे दर्शन पाके नैना सफल बनाएंगे या दर्शन पाके नैना सफल बनाएंगे दर्शन पाके नैना सफल बनाएंगे तन मन को विश्रा ओ तन मन को विश्राम रखेंगे राधा राधा ना मिलेंगे बांक बिहारी मोड़ के कांवर तार ओ मिलेंगे बांक बिहारी मोड़ के कांवर तार चल वृंदावन धाम चल वृंदावन धाम रखेंगे राधा राधा ना मिलेंगे बांक बिहारी मोड़ के कांवर तार ओ मिलेंगे बांक बिहारी मोड़ के कांवर तार शादी प्रेम सौंपाएंगे संतों की प्रसादी प्रेम सौंपाएंगे भक्तों की प्रसादी प्रेम सौंपाएंगे भक्तों की प्रसादी प्रेम सौंपाएंगे यहाँ मिलेंगे श्यामा श्याम ओहो मिलेंगे श्यामा श्याम रखेंगे राधा राधा ना मिलेंगे बांक बिहारी मोड़ के कांवर तार ओ मिलेंगे बांक बिहारी मोड़ के कांवर तार चल वृंदावन धाम ओ हो चल वृंदावन धाम रखेंगे राधा राधा ना मिलेंगे बांक बिहारी मोड़ के कांवर तार आ 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 मिलेंगे बांक बिहारी के काम के कारी आप ले के बांके बिलारी ओढ़ के काम के कारी
मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के। तो बांके बिहारी के दर्शन को जाएंगे, बहुत अच्छा। चलो जो निकला अच्छी बात, कुछ भी बोलो बोलते रहो। थोड़ा बेटा जी कथा में ध्यान रखो, ध्यान भंग ना हो, बाकी अच्छा है, इसका ध्यान रखा करो। बांके बिहारी के दर्शन को आए, भगवान ने कहा देवी मेरा दिव्य वृंदावन है, पृथ्वी का सारा अहंकार समाप्त हो गया, आधार शक्ति से स्थापना की, आधार शक्ति से पृथ्वी की स्थापना। इसके बाद प्रभु ने कहा ऐ हिरण्याक्ष आपने सत्य कहा, मैं जंगली जानवर हूं, जंगली सुअर हूं, लेकिन आपके जैसे ग्राम सिंहों को खोजता रहता हूं। सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा युष्मद्विधान मृगये ग्राम सिंहा न मृत्युपाशये प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनम तव ग्रहणन्त्य भद्र। आपने सत्य कहा है, ठीक पहचाना, मैं तो गांव का श्री राम जंगल का सुअर हूं, जानवर हूं, लेकिन आपके जैसे ग्राम सिंहों को, गांव का शेर किसको कहा है जो भोंकते हैं, भगवान वारा हिरण्याक्ष का युद्ध, सबसे बड़ा युद्ध यही हुआ है ब्रह्मा के एक दिन पर्यंत। देवता घबरा गए, अंत में प्रभु इसका उद्धार किए, और जैसे शरीर झिड़के भगवान वाराह के शरीर से जो रोएं गिरे उसी से कुश की उत्पत्ति हुई है, उषा, कुश की उत्पत्ति उसी से हुई है, इसलिए किसी भी कार्य में कुश हाथ में हो तो पवित्र माना जाता है। अब तो हाथ में कुशा भी नहीं लेते हैं, बोल रख दो बस ठीक, संकल्प में तो कुश चाहिए, लेकिन अब हो गया आजकल की जो परंपरा है, ठीक है, बोले सब शॉर्टकट हो गया। तो पहले तिलक लगाते थे जमान के मस्तिष्क पे, यहां से छोटा लगाना थोड़ा सा, वापिस जाना लोग देखेंगे, थोड़ा सा लगाना, लिफाफा छोटा नहीं चाहिए बड़ा चाहिए, थैला बड़ा चाहिए भरने के लिए भी और थैला भी, और तिलक अच्छी बात है। जाकी जैसी चाकरी सोते सो फल दे, तो आपकी जैसी चाकरी होगी वैसे आपको फल मिलेगा। भगवान वाराह हिरण्याक्ष का उद्धार किए हैं, पृथ्वी के साथ गांधर्व ऋतु से विवाह विहार का वर्णन, उनके पुत्र का वर्णन है भौम का। इसके बाद मनु जी के दो पुत्र तीन पुत्रियों का वर्णन है, दो पुत्र हुए हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत, तीन पुत्रियां हुई हैं देवहूति आकुति और प्रसूति, पुत्र या पुत्री कोई हो, परमात्मा से बस एक ही प्रार्थना करना वो लायक हो, लायक है तो कन्या है तो वो भी तपोबल से माता पिता को पार लगा दीजिए, बेटा है तो भी पार लगा दीजिए। लेकिन आजकल बड़ी समस्या है, बालक का जन्म हो तो बैंड बजवाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, और बेटी का जन्म हो तो मुंह लटका लेते हैं। अच्छा बालक के आने पर बैंड बाजे स्वागत क्यों होता है पता है? अब जीवन भर ये बालक हंस हंस के बैंड बजाएगा, ये बालक जीवन भर हंस हंस के बैंड, सेवा का कार्य जो। और कन्या, आज हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि कन्याओं का अपमान होने लगा, अनादर होने लगा, और इस देश में जब तक नारी की हत्या होगी
नारी का अनादर अपमान होगा तो ये संसार का मानो कभी खुशहाल नहीं होगा। अपने आप को खुशहाल रखना चाहते हो तो पहला नारी का आदर करो। नारी का आदर सत्कार करो पहला सूत्र। और एक बात और ध्यान रखना, अपने जीवन को हरा भरा देखना चाहते हो तो वृक्षों का संरक्षण किया करो। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। अपने आप को हरा भरा देखना चाहते हो तो वृक्ष लगाओ और आपके जीवन में रस आए, आपका जीवन रसमय हो तो थोड़ा जल की मर्यादा का भी ध्यान रखना सीखो। जल को गंदे नाली में ज्यादा मत बहाओ। यदि आपका कार्य 5 लीटर जल में हो सकता है तो 50 लीटर मत बहाओ। अरे जो 45 लीटर जल गंदे पानी में गंदे नाली में गया है वो आपके हिस्से का गया है और आगे चल के आपको जल के लिए रोना पड़ेगा। मानव समाज को खुशहाल देखना चाहता है, अपने आप को देखना चाहता है तो जल की मर्यादा, नारी की मर्यादा और पर्यावरण की मर्यादा। संत खुशहाल क्यों होते थे? संत हमेशा कहां रहते थे? अभी भी संत कहां रहते हैं जो साधक हैं? वृक्षों के पास। जहां संत होंगे वहां वृक्ष हरियाली जरूर होगी, जलाशय जरूर होगा और वहां नारी का आदर सत्कार जरूर होता है। और हम तीनों का अनादर करने लगे, जल पीना भी होगा, एक गिलास जल लेंगे, एक बाटल लेंगे, थोड़ा मुख में लगाए और बाकी क्यों उसको फेंक दिए? जो प्यास से तड़फड़ा रहा है यदि ये जल उसके पास गया होता तो आज आपका कल्याण होता। और नहीं तो स्थिति यह हो रही है आपके देश की, आने वाले समय में जल के लिए तरसोगे महाराज। आपके भारतवर्ष में कई ऐसे नगर हैं जहां 3 दिन में 1 दिन पानी आता है, पानी के लिए एक दूसरे की जान ले रहे हैं। अभी आपके पास व्यवस्था है तो लगता है बहाते रहो, नहीं, जीवन को रसमय बनाना है तो जल की मर्यादा, जीवन को व्यवस्थित रखना है, स्वस्थ रखना है तो पर्यावरण की मर्यादा, और आपके अंदर शक्ति का संचार हो तो नारी की मर्यादा। तीन पर विचार कर लेना, आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। यही हमारे संतों का संदेश है, यही हमारे साधकों का लक्षण है। मनु जी के 2 पुत्र 3 पुत्रियां, देवहूति आकुति और प्रसूति। देवहूति परम सुंदरी थी लेकिन देवहूति के अंदर सुंदरता का अहंकार नहीं आया। आपके दिमाग में कभी यह बात नहीं आई देवताओं देवियों कि मैं इतना सुंदर हूं या सुंदरी हूं, अमुक व्यक्ति हमको देखने को तरसता है, ऐसा मत करना। और नहीं तो परमात्मा को बड़ी पीड़ा होगी इस शब्द से, इस भाव से आपकी। और फिर अगला जन्म आपको इतना कुरूप दे देगा परमात्मा कि आपको खुद घृणा हो जाएगी। परमात्मा किसके लिए दिया है इतना सुंदर स्वरूप? अपने सेवा के लिए दिया है। और फिर दूसरी बात, इस संसार में यदि संसारी लोग इतने सुंदर हैं तो इनको बनाने वाला मेरा परमात्मा कितना सुंदर न होगा, ये बताओ। जिस दिन हम लोग श्याम सुंदर की सुंदरता को देख लें, राधे की सुंदरता को देख लें, तो फिर जीवन में कुछ देखना सेफ रह जाएगा क्या? जीवन में कुछ देखना शेष नहीं। बाबा अपने जीवन कहते हैं कि लक्ष्य है, एक ही संकल्प है, मेरा बांके बिहारी और मेरी राधे, बस इसी में जीवन को समर्पित कर देना बस।
आगे नहीं, क्या करना, यही तो मस्ती है, इसी में तो आनंद लेना है बस। भगवान के परम भक्त नारायण जी का प्राकट्य हुआ, बेटा आपको विवाह करवाना है। ठीक है पिताजी, आपकी जो आज्ञा। पुत्र नाम ही परो धर्म, पितृ शुश्रु शणम सताम, बालक का परम धर्म है माता पिता की आज्ञा का पालन करना। ठीक है, लेकिन करदम जी की इस दयालुता को देखकर हमारे प्रभु के प्रेमासुर टपक पड़े। एक बात ध्यान रखना, ये अश्रु हर किसी के सामने नहीं आते, हर किसी के लिए नहीं आया करते, लेकिन जिससे जिसका सच्चा प्रेम होता है अपने प्रियतम के लिए वो अश्रु निकलते रहते हैं। अश्रु निकलने का मतलब क्या है, आपके हृदय में वो चित्र इतना प्रगाढ़ अंकित हो चुका है कि थोड़ा बहुत जो कचरा है अश्रु के माध्यम से निकल गया। और जब अश्रु निकलते हैं प्रेम के वियोग में तो मन का जो कालुष्य है वो धुलता है और प्रियतम की छवि अंदर दिखाई पड़ती है और उसी में मस्त होकर फिर आनंदित हो जाते हैं। भगवान के प्रेमाश्रु टपक पड़े, दो बूंद गिरे उसी से बिंदुसर तीर्थ प्रकट हो गया। गुजरात प्रांत में पड़ता है बिंदुसर तीर्थ। भगवान की कृपा कभी हो वहां पहुंचो अच्छी बात नहीं, मन से तो जा ही सकते हो, तन से कन्हैया की जैविक्षा के लिए जाएंगे, मन से चिंतन किया करो। सारे तीर्थों में आप चाहो तो नित्य प्रति यात्रा कर सकते हो, सारे तीर्थों की यात्रा नित्य प्रति, समस्त नदियों में नित्य प्रति स्नान कर सकते हो, सागर में नित्य प्रति स्नान कर सकते हो, बस मानसिक करना है बस। तन से कब होगा प्रभु जाने, मन से तो कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। भगवान वरदान दे के अंतर ध्यान हो गए। मनु जी पहुंचे देवभूति को लेकर, वहां पर तीन आसन बिछा दिए करदम जी। मनु शत्रुपा तो बैठ गए, देवभूति बायां हाथ रख के बगल में बैठ गई। विवाह में तीन का दर्शन होता था श्रोताओं, प्रतीक्षा परीक्षा और समीक्षा। इस बिंदु पर पहले भी आप लोगों को समझा चुका हूं। और जहां तीन का दर्शन होगा विवेक विश्वास वैराग्य, वहीं भगवान का दर्शन होता है। देखो गृहस्थ का सुख लेना है, गृहस्थ में आनंदित रहना है तो पति और पत्नी को एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। यदि संदेह की दृष्टि में एक दूसरे को देख रहे हो तो आपके घर में सुख शांति नहीं आएगी। और समस्या क्या है, आज की नहीं अनादिकाल की है, शंकर और सती का जब विवाह हुआ था तो किसकी कमी थी, विश्वास की। शंकर जी समझाए सती को, विश्वास नहीं हुआ, भगवान ने कहा जाओ परीक्षा ले लो, और जब परीक्षा लेने गई झूठ बोली, झूठ बोली, परिणाम क्या हुआ, सती को जलना पड़ा। तो शंकर और सती के विवाह में विश्वास की कमी थी तो वहां ये समस्या आ गई। तो आज के विवाह में तो बड़ी समस्या है, यहां दिल्ली वालों के लिए होगी, मैं इनकी बात नहीं करता। अरे आज के लिए मोबाइल ऐसी बीमारी है, अरे कहां बैठी हो या कहां बैठे हो, परेशान है एक दूसरे के लिए। अरे भाई जो जहां बैठा है ठीक है, एक विश्वास पैदा करो ना, और आपके विश्वास की ऐसी ताकत हो कि हठात उसको आना पड़े, बाध्य हो जाएगी। राधा चाह करके भी कृष्ण से अपने आप को दूर नहीं कर सकती, और कृष्ण चाह करके भी अपने आप को राधे से दूर नहीं कर सकते। यही तो प्रेम है, प्रेम में क्या चुंबक ही तो है, आकर्षित करता खींचता है। और प्रेम में प्रियतम के अलावा किसी और के लिए कोई स्थान नहीं है। आ मेरे मनमोहना पलक बंद कर ले, ना मैं देखूं और को, ना तो देखन दे, यही तो प्रेम है। करदम देवभूति का विवाह,
करदम जी साधना में लीन हो गए, देवभूति सेवा करती। सेवा करते करते शरीर कृशकाय हो गया। जब शरीर कृशकाय हो गया, देखो आपको किसी साधक से कुछ लेना हो, कभी जाके दो काम करना, साधक के पास जाकर या साधक के पास आकर जो भी करना, दो काम करना। पहला, जब तक वो कुछ न पूछे कुछ न बोले तो बोलना नहीं, और उसके चरणों में सिर रख के प्रणाम करके बैठ गए। आधा घंटे ने बोले, घंटे कुछ नहीं बोले, बैठा रहे, अपने आप बोलेगा वो। यदि आप जाकर के पहले बोलना शुरू कर दिए, अपनी समस्या सुनानी शुरू कर दिए, वो कुछ नहीं करेगा, मुस्कुरा के टाल देगा। और हम लोगों की समस्या के एक और कारण है, हम कभी अपने गुरुदेव के पास किसी साधक के पास जाते हैं तो समस्या का पिटारा पहले सुनाने लगते हैं, इसीलिए हमको आज तक कुछ मिला नहीं। मौन में मिलता है, मौन में देता हूं। एक बात बताओ, बालक 6 महीने का 4 महीने का जब मां की गोद में होता है तो क्या मां की भाषा का बोध कराने के लिए किसी की आवश्यकता पड़ती है? यहां एक दूसरे को देखते हैं कि नहीं देखते हैं, और मौन में ही एक दूसरे की भाषा का बोध हो जाता कि नहीं? तो क्या साधक इतना अनाड़ी है आपका कि आपके दर्द को नहीं पहचान लेगा? कैसा साधक जो बगैर बताए आपके दर्द को ना समझे? बताने की आवश्यकता नहीं होती, वो केवल परीक्षण करता आपको। पर आप सोचते हो जितना जल्दी हम बता लेंगे उतने अच्छा। जहां बोलना शुरू किया सारा रस बेकार, साधक मस्त मुस्कुराए बोले जाने दो, ये तो गया काम। इसलिए मौन देवभूति अपने स्वामी की सेवा करती मौन व्रत लेके, कोई अपेक्षा नहीं, सेवा कर रहे। क्यों? अपेक्षा में ही तो उपेक्षा होती है हमारी। जब किसी से कोई अपेक्षा नहीं, उपेक्षा कैसे? हमारी अपेक्षा है कि अमुक व्यक्ति मेरा सम्मान करे, और नहीं किया तो पीड़ा हो गई। और जब कोई अपेक्षा ही नहीं है, सम्मान हो चाहे अपमान क्या करना, अपेक्षा में ही उपेक्षा है। इसलिए कोई अपेक्षा मत रखो, छोड़ दो। बोले महाराज हम तो करके देख लिए, हमको नहीं मिला, अभी किए कहां हो? कितना समय निकाले हो साधकों के पास बैठने के लिए? कई बार आप साधक के पास जाओगे ना, कह देगा भाग जा, जाओ यहां। यदि आप चले गए तो खो दिए, और चुपचाप सिर झुका के बैठ गए तो वहीं से फिर कुछ श्री गणेश कर देगा वो। ऐसा भी आपके साथ हो सकता है, आप जाओगे, चलो जाओ जाओ यहां से जाओ, अरे हम गए, हमको तो बैठाए भी नहीं, डांट के भगा दिए, हम कभी नहीं जाएंगे, पहली परीक्षा में फेल हो गए। तो कह रहा जाओ, नहीं मारेगा तो नहीं, डांटेगा, डांट ले, बाबा आए तेरे पास बैठेंगे। ऐसी सेवा करो। सिर घुटा के सन्यासी बनना सरल है, लेकिन सेवक बनना बड़ा कठिन है। अभी हरिद्वार की यात्रा में गया था, कुछ साधकों ने कहा गृहस्थ में बहुत रह लिए, अब इसी मार्ग में आ जाओ हमारे। हमने कहा देखो बाबा, यदि मैं इस वस्त्र में आ गया, आप जिसमें हो, तो फिर मैं इस महल में नहीं रहूंगा। इस वस्त्र को यदि धारण करने के लिए कृष्ण प्रेरित किए करना पड़ा, तो फिर मैं महल में नहीं, किसी झाड़ी में, किसी गुफा में रहूंगा। फिर किसी के हाथ से न मैं कलाया बनवाऊंगा, और न किसी के सामने रोटी की बात करूंगा। फिर तो वो अवस्था आएगी, अरे अब कैसी बात करते हो? तो मैं कहा क्षमा करना, मैं सुख लेने के लिए,
मंजिल बनाने के लिए, महल बनाने के लिए मैं ये वस्त्र धारण करूं मेरे बस में? फिर जहां मुझे कृष्ण बैठा दिया है, मेरी राधे जहां बैठा दी है, वो स्थान मेरा कम नहीं है, हमको वहीं से वो मिलेगा। लेकिन उससे दिन निकला, वानप्रस्थ में जाओ, संन्यास में जाओ, तो फिर उसका लक्षण क्या है वो देखो ना। देवहूति सेवा करते करते शरीर को कृष्णकाय कर दी, बोल कुछ नहीं रही, करदम जी अपने आप बोल पड़े। तुष्टो हम अद्य तव मान अभिमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनामयमति वसुरत स्वदेहो नावेक्षिता समुचिता क्षपितुं मदर्थे। बगैर बोले करदम जी बोल पड़े, हे देवी आपकी सेवा तपस्या से मैं संतुष्ट हो गया। बोलो क्या चाहिए? हे स्वामी आप मेरी सेवा तपस्या से संतुष्ट हैं, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। स्वामी जी आपकी सेवा से प्रसन्न हैं, यही दक्षिणा है। क्यों? वहां मांगने की आवश्यकता नहीं है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। वहां मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वहां तो केवल बैठना पड़ता है, बैठना सीखो। आओ मेरे कन्हैया की सन्निधि में बैठो, देखो क्या देता है। बिना मांगे सब कुछ दे देगा, लेकिन बैठना कैसे है? उसकी एक अर्धाली इनको दे दो भाई, जो बनाओ। जो बनाओ, देखो बाबा मेरा तो यही सिद्धांत है, मैं तो बांकी बिहारी से यही प्रार्थना, अपने राधे से यही प्रार्थना किया हूं, करता हूं। जो बनाओ, जो बनावो, जो बनावो सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। जो बनावो सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। जो बनावो सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। जो बनावो सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। सिद्धांत बना लो, आए कन्हैया आप जैसे मर्जी चाहो, जहां बैठाना चाहो बैठाओ। देवहूति का यह सूत्र था, सिद्धांत था। करदम जी ने कहा आपकी सेवा से संतुष्ट हो, बोलो क्या चाहिए? देवहूति ने कहा स्वामी आप मेरी सेवा से संतुष्ट हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। करदम जी समझ गए विवाह किस लिए होता है। विवाह होना विलासार्थम धर्मार्थमेव केवलम,
समझ गए। एक कुंड जिसमें देवहूति को प्रवेश कराया, परम सुंदरी बन के आ गई। कई दासियां करदम जी का दिव्य स्वरूप, एक विमान प्रकट किए मन से जिसका नाम पड़ा कामुक। मन के वेग की गति पर विमान चलता है। सभी तीर्थों में जाकर के स्नान किए, तीर्थवास किए, इसके बाद गृहस्थ में प्रवेश किए। नौ कन्याओं का जन्म, सामान्य कन्या नहीं आई है, अनसुईया जैसे कन्या आई है जहां भगवान बालक बने हैं। नौ ऋषियों के साथ संबंध चलने लगे। आपके जैसे तपस्वी पति को पाने के बाद भी क्या मैं ज्ञान से वंचित रह जाऊंगी? नहीं, आपको ज्ञान देने के लिए आपके यहां स्वयं नारायण आएंगे। भगवान कपिल का प्राकट्य, करदम जी भगवान कपिल को प्रणाम कर प्रस्थान किए। कपिल जी हमारे 5 वर्ष के हुए, उच्च आसन पर बैठाया। कपिल ने कहा, मां, मां का स्थान तो ऊपर होता है, बेटे का स्थान नीचे, उल्टा कैसे? देवहूति ने कहा, हे प्रभु, मुझ जैसे इंद्रिय ग्राम में रहने वालों पर अनुग्रह करने के लिए आप मेरे यहां बालक बन के आए। मुझे पता है मेरे बालक नहीं हो, सारा जगत आपका बालक है। नेहयत कर्म धर्माय ना विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन न पिमृतो हिसा। वो तो जीते जी मुर्दा है महाराज, जो कभी सत्संग में नहीं गया, तीर्थवास तीर्थ स्नान नहीं किया, भगवान का चिंतन नहीं किया, ऐसा व्यक्ति बोले जीवन न पे मृतो ईशा, जीता हुआ उसके जीने का कोई मतलब नहीं। आपका जीवन किस लिए मिला है? बस इतने समझ लो, यही है भागवत। भगवत प्राप्ति के सरलतम सूत्र दिए हैं, ध्यान का लक्षण बताया है। अब आजकल तो ध्यान बड़ा सरल है। बोले महाराज हम ध्यान लगाते हैं, आधा आधा घंटा ध्यान लगता है। अच्छा, भगवान करे हमेशा 24 घंटा लगा रहे। कैसा ध्यान लगता है? घर में बोल दिया मैं ध्यान कर रहा हूं, 1 किलो दूध लेकर के आ जाना। ध्यान करके उठे, अरे दूध आया कि नहीं आया अभी तक? तो ध्यान का फल 1 किलो दूध है क्या? ऐसा ध्यान लगता है आजकल? देवी से बोलेंगे या देवता से, देवियां बोलेंगी मुझे अमुक जगह जाना है या अमुक कार्य है, आप एक काम करो थोड़ा मेरे लिए चाय बना लो, मैं ध्यान कर लूं। अब ध्यान करके फुर्सत हुए, चाय बनी कि नहीं बनी? तो क्या ध्यान का फल चाय है क्या? ये बताओ, ये कैसा ध्यान है? ध्यान का फल तो कृष्ण होना चाहिए, कृष्ण को चाहिए, वो ध्यान करना है। तो बड़ा सरल सूत्र दिया, क्या? संचिन्तयेद् भगवतः चरणारविन्दम् वज्रांकुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्य। पहले भगवान के चरणारविंद का, मेरे तो आधार श्री कृष्ण के चरणारविंद, मेरे तो आधार मेरी राधे के चरणारविंद। संचिंत यद भगवत चरणारविंद, भगवान के चरणों से लेकर नख से लेकर शीर्ष तक और शीर्ष से लेकर नख तक भगवान की विराट तत्व का वर्णन किया। भक्ति ज्ञान कर्म की व्याख्या की गई, लेकिन सबसे सरल मार्ग बताया भक्ति का।
ज्ञान का मार्ग भी कठिन है, उसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान और भक्ति में अंतर क्या है? ज्ञान के मार्ग में आपको भगवान को पकड़ना है, और भक्ति के मार्ग में चलोगे तो भगवान आपको खुद पकड़ेंगे, भगवान आपको खुद पकड़ेंगे। तो कौन सा मार्ग अच्छा, भगवान हमको पकड़े कि हम भगवान को पकड़े? अच्छा, भगवान को पकड़ तो सकते हैं कि नहीं? भारी भर कम शरीर है, क्या दिक्कत है, पकड़ में तो आई जाएगी। नहीं, प्रयास करना वो पकड़े, हम पकड़े तो कहां पकड़े है, कहां है कन्हैया? तेरे दर का पता भला कौन देता है, तेरे दर का पता भला कौन देता है, जिससे भी पूछता हूं कुछ दूर बता देता है। तेरे दर का जिसको पता मिल गया है, हकीकत में उसको प्रभु मिल गया है। लेकिन वे मिलता भी कहां है? मिलता भी बड़ा टेढ़ा है, ऐसा नहीं। और जहां मिलता है उसके बगैर उसका महत्व भी नहीं है। ये मिलता है कहां? राधे के पास बैठे पलोटत राधिका पाया ना, वो राधे के पैर में मिलता है। अच्छा, राधा के बगैर उसकी कोई गति भी नहीं है भाई, एक बार ध्यान रखना। एक बार एक राधा रानी के उपासक कन्हैया को कहते हैं, अरे कन्हैया एक बात सुन ले। राधा रानी को थोड़ा परेशान किए, डांट लगा दिए। भक्तों की लड़ाई तो अलग होती है कि नहीं? भक्त का अधिकार है भगवान पर बिगड़ने का, और भगवान का अधिकार भक्त पर है। प्रेम में ही अधिकार है, और अधिकार में ही प्रेम है। तो क्या कहते हैं? ऐ कन्हैया बेवफा, तूने कदर जानी नहीं, प्यासी हूं तेरे दर्श की, तूने कछु मानी नहीं। लेकिन ऐ काले कलूटे सुन, हुकारी घटा किस काम की, जहां प्रेम का पानी नहीं, वहां कृष्ण की शोभा नहीं, जहां राधिका रानी नहीं, वहां कृष्ण की शोभा नहीं, जहां राधिका रानी नहीं। पर ये मस्ती 16 को देंगे, भी सिंपल दे रहे हैं। आप लोगों ने छेड़ा है ना इस बार, तो देखते हैं उसका भी मिजाज, उसकी भी मस्ती लगे। करना क्या है, ये काम तो मेरी राधे का है, मेरे कन्हैया का, मेरा तो कुछ है नहीं। वो जैसे करेंगे वो करेंगे, उस अभी नहीं, ध्रुव जी के पास चलना है। करदम जब निवृत्ति मार्ग में गए तो कपिल देवभूति के लिए सरल मार्ग दिए, भक्ति का मुझे बता रहा था। भक्ति के मार्ग में भगवान खुद पकड़ते हैं, प्रयास करना हमको आपको भगवान खुद पकड़े। अच्छा, हम तो हाथ पकड़ेंगे छूट सकता है, लेकिन वो हाथ पकड़ेंगे तो प्रयास करना वो हाथ पकड़े। और भगवान कहते हैं, देखो वो अज्ञानी लोग हैं जो धन के लिए भटकते रहते हैं, श्रिया विहीना कृपणा ध्यायं शोषित मूढ़ति। मूर्ख बुद्धि के लोग हैं जो धन के लिए हाय हाय करते हैं, धन भी मेरी कृपा से ही मिलता है।
दौड़ो को सहजार लो बसत है लक्ष्मी पास, बिन दीने रघुनाथ के मिले न तुलसीदास। तो लक्ष्मी की प्राप्ति भी भगवान की कृपा से, और केवल परिवार को ही सब कुछ मानकर कूप मंडूक बनकर वहीं भटक रहे हैं तो जीते हुए अंधता मिश्र नाम के नरक में पड़े हैं, वो रोते ही रहेंगे। थोड़ा बाहर आओ। मेंढक जब कुएं के अंदर रहता सोचता सारा सागर यही है, पर कभी बाल्टी रस्सी के माध्यम से बाहर आए तो पता लगता अरे भगवत कृपा कभी होगी। वो तो देवभूति को वैराग्य हुआ, ज्योत निकली, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण 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 नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण। देखो यही है भगवान की माया जो अभी आप लोगों के सामने हो गया। मुश्किल से आप लोगों की बुद्धि को मैं खींच रहा था कि शायद सारथी बनाएं और आपके मन को जोड़ें। यहां ये बच्चे तीन आए तो यदि किसी की दादी होगी नानी होगी तो वो देख के उसको हंस पड़ी, पड़ोसी देख के उसको हंस पड़े, कृष्ण की कथा गई किनारे। यही तो व्यथा है। देखो किसी को बुरा लग सकता है, किसी के घर का बच्चा होगा तो बुरा लग सकता है, जायज है। लेकिन एक बात बताओ, मुश्किल से तीन चार घंटे से आप लोगों का मन खींचते खींचते कहां तक लाया, एक मिनट में जितने लोग हंसे हैं भगवान के चरित्र पर नहीं, उन बच्चों को देख के हंसे। क्या भागवत जी को देख के भी कभी ऐसे हंसे हो? क्या भी बांके बिहारी के पास पहुंच करके ऐसी हंसी आई है? क्या अपने गुरुदेव के पास आके कभी ऐसी हंसी आई है? यही है माया, सावधान हो जाओ। देवियों माताओं बच्चों को लाना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों से आग्रह है कि बच्चों को अपने पास रखा करो। आजकल कई माताएं कई देवियां बड़ी चतुर होती हैं, क्योंकि बच्चे आजकल बड़े शरारती होते हैं, शांत बैठते नहीं, तो सोचती चलो जाएंगे सत्संग में तो दो तीन घंटा हम आराम से बैठेंगे, पंडित जी की दिमाग खाएं कोई बात नहीं, हमारी दिमाग तो ठीक रहेगी। ऐसा मत करो, इस विषय को समझो। दर्द निकल रहा है कि यहां आप लोगों के कल्याण के लिए बैठा हूं, मनोरंजन करने नहीं आया हूं। माया के दलदल में हम लोग इतना फंसे हैं कि वैसे नहीं निकल पा रहे हैं, थोड़ा सा निकालने का प्रयास करते हैं सब उसी में डूब जाते हो। इसलिए जागो, चार घंटे तो कृष्ण को मेरे दे दो, बाकी 20 घंटे कहीं रहो मुझे कोई चिंता नहीं। भगवान कपिल जब देखे देवहूति को वैराग्य हुआ, चले गए गंगा सागर। चतुर्थ स्कंद के प्रारंभ में रुचि और आकुति का प्रसंग है, जहां यज्ञ दक्षिणा का प्रादुर्भाव हुआ है, बगैर दक्षिणा के